नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं और इन्हें इशू करने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, ये डेट चेंज की गई है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड्स, तो आपको इसका ध्यान रखना है यदि आप अभी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के तहत क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट इशू करने की पावर सेक्शन 34 में दी गई है सी जीएसटी एक्ट के। दोस्तों, ये अपडेटेड सेक्शन आप रेफर कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत बार अमेंड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 34 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ये फुट नोट 1 दिया गया है। ये वर्डिंग यहाँ पे इंसर्ट की गई थी, ये वर्डिंग किस डेट से इंसर्ट की गई थी और किस एक्ट के द्वारा, तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है कब की गई थी और ये कब से इफेक्टिव है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्रेडिट नोट की प्रोविज़न। दोस्तों, यदि आपने कोई सप्लाई की है गुड्स या फिर सर्विस की और जो टैक्स चार्ज किया गया है या फिर जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई थी जबकि वो कम होनी चाहिए थी, यानी कि आपने गलती से टैक्सेबल वैल्यू टैक्स ज़्यादा दिखा दिया है जबकि वो कम होना चाहिए था, तो आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपने जो गुड सप्लाई की थी वो रिटर्न कर दी गई है रिसिपियंट के द्वारा, यानी कि आपके कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दी है, या फिर जो गुड्स या सर्विस सप्लाई की गई थी वो डेफिशिएंट थी, तो उस केस में भी आप क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं जो आपने सप्लाई फाइनेंशियल ईयर के दौरान की है। मान लीजिए आपकी 5 सप्लाई रिटर्न की है कस्टमर ने, तो आप 5 सप्लाई के लिए एक ही क्रेडिट नोट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो पहले ये प्रोविज़न होती थी कि आपको हर सप्लाई के लिए अलग से क्रेडिट नोट जारी करना होता था, लेकिन अब आप कंसोलिडेटेड एक ही क्रेडिट नोट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइसेस इशू की हुई है तो आप उसके अगेंस्ट एक ही क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं, या फिर आपने एक ही टैक्स इनवॉइस जारी की है उसके अगेंस्ट आप एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्रेडिट नोट आप कब तक इशू कर सकते हैं इसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, जो क्रेडिट नोट आप इशू करते हैं वो आपको उस महीने में डिक्लेयर करने होते हैं जिस महीने में आपने इशू किए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी जीएसटी रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। दोस्तों, 30 नवंबर तक आप ये क्रेडिट नोट डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी जीएसटी रिटर्न में या फिर एनुअल रिटर्न को फाइल करने की डेट से पहले पहले। तो दोस्तों, ये जो 30 नवंबर है ये वर्डिंग यहाँ पे इंसर्ट की गई थी, यानी कि सब्स्टिट्यूट की गई थी। दोस्तों, ये 1 अक्टूबर 2022 से जो है वर्डिंग सब्स्टिट्यूट की गई थी। इस प्रकार अब आप 30 नवंबर तक क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के। आप 30 नवंबर 2023 तक क्रेडिट नोट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यदि आप क्वार्टली रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी की, तो उस केस में तो आप जुलाई अगस्त तो सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में फाइल कर देते हैं, तो इसी में आपको एडजस्टमेंट करनी होगी क्योंकि नेक्स्ट रिटर्न जो आपकी होगी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की वो जनवरी में जाएगी, तो उस वक्त तक ये जो पीरियड है एक्सपायर हो चुका होगा क्रेडिट नोट को जीएसटी के रिटर्न में डिक्लेयर करने का। तो इसीलिए आप अभी अपनी जो GST-1 फाइल करेंगे उसमें क्रेडिट नोट डिक्लेयर कर दीजिए ताकि आपसे जो है कोई ये डेट मिस ना हो जाए और फिर बाद में आप ये क्रेडिट नोट नहीं डाल पाएंगे अपनी जीएसटी रिटर्न में। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई आइटम जो है सेल की है और जो उसकी इनवॉइस है वो बना दी है, तो दोस्तों एक बार जब आप इनवॉइस बना देते हैं जीएसटी में तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आपको जो भी अमेंडमेंट करनी है वो आप क्रेडिट नोट के जरिए करेंगे। तो दोस्तों, आपने जो ये आइटम सेल की थी इसमें से कुछ अमाउंट आपके कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया है क्योंकि गुड्स जो है मान लीजिए डिफेक्टिव थी, तो अब आप इस इनवॉइस में अमेंडमेंट नहीं करेंगे बल्कि क्रेडिट नोट जारी करेंगे। तो इसके लिए आपको क्रेडिट नोट जारी करने होते हैं, तो आप यहाँ पे नोट की वैल्यू दिखाते हैं और उस पर जो जीएसटी होता है वो डिक्लेयर करते हैं GST-1 की रिटर्न में और उसकी डेट जो वो डालते हैं। दोस्तों, क्रेडिट नोट को जारी करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपने टैक्स इनवॉइस रेज की है तो उसमें कोई जीएसटी जो है वो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में आपको पता चला कि आपके कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न कर दी है,
तो उस केस में आप क्रेडिट नोट जारी करते हैं और जो गवर्नमेंट को आपने जीएसटी पे कर दिया है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि इतना अमाउंट अब आपका रिड्यूस हो जाना चाहिए जीएसटी 3B में से, यानी कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी में से, क्योंकि गुड्स आपके पास रिटर्न आ चुकी हैं, ये सेल नहीं हुई है। इस प्रकार आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है क्रेडिट नोट को इशू करने से। दोस्तों क्रेडिट नोट आप अपनी जीएसटी 1 की रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि दोस्तों कोई आपके आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई थी वो आप यहाँ पे टेबल 4A के अंतर्गत डिक्लेयर कर देते हैं जब आप जीएसटी 1 फाइल करते हैं। दोस्तों इसके बाद क्रेडिट नोट आप यहाँ पे टेबल 9B के अंतर्गत दिखाते हैं यदि आपने रजिस्टर्ड पर्सन को इशू किए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने जो क्रेडिट नोट दिखाए थे उसकी वजह से यहाँ पे अमाउंट जो वो नेगेटिव में आ जाता है, और फिर जब आप नीचे जाएंगे दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम थी और क्रेडिट नोट आपने ज़्यादा के इशू किए हैं। इस प्रकार आपकी टैक्स लाइबिलिटी में से क्रेडिट नोट लेस हो जाते हैं और नेट अमाउंट ही यहाँ पे आता है नीचे, जो कि आपका जीएसटी 3B में जाता है। लेकिन दोस्तों अगर ये अमाउंट नेगेटिव है तो ये जीएसटी 3B में आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जीएसटी 3B में अलाउ नहीं होती हैं। तो जो आप नेक्स्ट जीएसटी 3B फाइल करेंगे जिसमें कि आपकी टैक्सेबल सप्लाई होगी उसमें से अमाउंट एडजस्ट होगा आपका। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो क्रेडिट नोट है वो व्यक्ति ही जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करता है जिसने के गुड सप्लाई की है, यानी कि सप्लायर को ही क्रेडिट नोट अपलोड करने होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डेबिट नोट भी सप्लायर के द्वारा ही अपलोड किए जाते हैं, और ये अपलोड किए जाते हैं यदि कोई गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई की गई है और उसमें टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स जो है वो कम चार्ज किया गया है जबकि ज़्यादा चार्ज किया जाना चाहिए था। तो अब जो डिफरेंस है वो आप डेबिट नोट के जरिए जो है अपलोड करते हैं जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों डेबिट नोट को जारी करने की कोई डेट नहीं है, तो आप हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो डेबिट नोट है वो अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने जो टैक्स कम चार्ज किया था या जो टैक्सेबल वैल्यू कम दिखा दी थी, तो आप डेबिट नोट जारी करेंगे। आप एक या एक से ज़्यादा डेबिट नोट जारी कर सकते हैं फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी कस्टमर्स को एक से ज़्यादा टैक्स इनवाइस जारी की है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए आपने 12% जीएसटी का रेट लगाया था लेकिन आपको पता चलता है कि आपको 18% जीएसटी का रेट लगाना था, तो जो 6% एडिशनल है वो आप चार्ज करेंगे कस्टमर से, इसके लिए डेबिट नोट जारी करेंगे। और आप एक ही डेबिट नोट जारी कर सकते हैं इन सभी इनवाइसिस के लिए जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जारी की हैं। तो दोस्तों आपको डेबिट नोट डिक्लेयर करना होता है उस रिटर्न में जिस मंथ में के ये इशू किए गए हैं। दोस्तों डेबिट नोट का मतलब सप्लीमेंट्री इनवाइस भी होता है। तो दोस्तों एक क्रेडिट या डेबिट नोट आपको जीएसटी 1 की रिटर्न में अपलोड करने होते हैं जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए टेबल 9B दिया गया, क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर पर्सन को यदि आपने इशू किए हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट यदि अनरजिस्टर पर्सन को इशू किए हैं, और यदि आप अमेंडमेंट करते हैं तो दोस्तों नीचे अमेंड डिटेल की जो टेबल्स हैं यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। यदि आपने कोई क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किए थे और उनमें कोई अमेंडमेंट हुई है तो यहाँ पे ये टेबल दिए गए हैं, टेबल 9C अमेंडेड क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड, टेबल 9C अमेंडेड क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इशूड के अंतर्गत भी ये डिटेल बतानी होती है कि आपने जो क्रेडिट एंड डेबिट नोट इशू किए हैं उनके नंबर क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डेबिट नोट के अंतर्गत आपको सीरियल नंबर बताने होते हैं कि कितने डेबिट नोट आपने इशू किए हैं, और क्रेडिट नोट के अंतर्गत भी उनके सीरियल नंबर बताने होते हैं कि आपने कौन से क्रेडिट नोट इशू किए हैं। तो दोस्तों आप इस प्रोविज़न को कंप्लाई कीजिए और क्रेडिट नोट को टाइमली इशू कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे यदि 30 नवंबर का टाइम जो एक्सपायर हो जाएगा। तो क्वार्टरली फाइलर को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो अभी जो क्वार्टर के लिए रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर उसमें ही उन्हें ये क्रेडिट नोट जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड दिखाने हैं, अदरवाइज़ वो नहीं दिखा पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।